सो हे हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। एज यूजुअल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ये वीडियो है। जो टॉपिक है वो है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो हम ये चीज़ जानेंगे पाकिस्तान के लोगों से कि उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का एजुकेशन अच्छा है या इंडिया का एजुकेशन अच्छा है। अब ऑब्वियसली हर तरह के लोग होते हैं, तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो लोग और उन लोगों को क्या अच्छा लगता है। हमारे लिए तो हमारा इंडिया बेस्ट है। ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना बांग्लादेश, ना अमेरिका, कोई कुछ नहीं है हमारे इंडिया के आगे। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हमारी स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। मुझे नहीं पता और कंट्रीज में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट यहाँ हमारे यहाँ पर अब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स भी कराया जाता है ताकि बच्चा बड़े होते होते अपने स्किल्स को इतना अच्छा बना ले कि उसे अपनी फ्यूचर में, अपने करियर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए गाइस वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की इस हवाले से क्या राय है। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आपके नज़दीक कौन सी कंट्री एजुकेशन में ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? मेरे ख्याल से इंडिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ तक मैंने उनको देखा है, मतलब जिस तरह के मैंने उनके इन्फॉर्मेटिव शोज़ जो टीवी पे मैंने फॉलो किए हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके जिस तरह का कंपटीशन उनके इवन टीवी के शोज़ पे हो रहा होता है वो बहुत हाई लेवल होता है। और उनके इवन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी उस कंपटीशन में, जो उनके टीवी शोज़ हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस के वो आंसर्स करते हैं जो शायद हमने इस यूनिवर्सिटी लेवल में भी आके उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए होते। क्योंकि यहाँ पे जितना हम स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स के पीछे लगे होते हैं कि ओके ग्रेड्स अच्छे आ गए, जीपीए अच्छा आ गया तो मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही है, वैसे अगर हमें पिछला कुछ याद नहीं है तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो एजुकेशन में हमारे हिसाब से नहीं आता। लेकिन उनके लिए वो अब तक ग्रेड्स के पीछे उतना नहीं भाग रहे, वो एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं। उनके आप कम्युनिकेशन स्किल्स देख लें उनको, अगर हम मतलब जिस तरह से वो एक छोटा बच्चा या यूनिवर्सिटी गोइंग जो आता है टीवी पे, वो इतने अच्छे से हर लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल में भी इस वजह से शायद कमी है क्योंकि उनकी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इस तरह से उनको नहीं ग्रूम किया जा रहा। देखा जाए तो हम वे बिहाइंड है इंडिया से, क्योंकि इंडिया मेडिकल की फील्ड में काफ़ी आगे जा चुका है। हम लोग यहाँ से इलाज के लिए, हमारे काफ़ी ज़्यादा आपको पता है वीज़े की इशूस लेने के लिए उधर जाते हैं, लास्ट टाइम इशू भी पड़ा था। तो वो मेडिकल की फील्ड में तो काफ़ी आ गया है। उन्होंने अभी स्पेस रॉकेट भी भेजा बाहर, सेटेलाइट भी उनकी बाहर है, हमारी नहीं है अभी। वो 5G भी लॉन्च कर चुके हैं, हम अभी उसमें भी पीछे है। तो स्टडी के हिसाब से वो काफ़ी आगे है, हम लोग वे बिहाइंड है। ज़ैनब, आपके ख्याल से एजुकेशन सिस्टम किस कंट्री का ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान का या इंडिया का? आई थिंक सो इंडिया का। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इंडिया में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है एजुकेशन के बारे में। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा और इंडिया के लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही डे बाई डे की। एजुकेशन में कौन सी कंट्री ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? देखें, अगर मेरे ओपिनियन में पूछा जाए तो दोनों कंट्रीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। लाइक अगर इंडिया है तो वो 6 times मोर पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो वेल एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि एक एवरेज हम निकाली जाती है कि टोटल आबादी में से कितने परसेंट एजुकेटेड हैं और एजुकेशन का क्या मेयार है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि इंडिया की जितनी आबादी है उनमें से बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जो अनएजुकेटेड है, लेकिन जो कुछ लोग एजुकेटेड हैं वो टॉप लेवल के एजुकेटेड हैं। आप अगर कुछ दुनिया की जो इस वक्त बिलेनियर कंपनीज़ हैं, जो वो कंपनीज़ जो इस वक्त दुनिया को रन कर रही हैं, अगर आप देखें लाइक गूगल है, फेसबुक है, ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनके अंदर ज़्यादातर इम्प्लॉयज़ पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियंस हैं। आप गूगल का CEO देख लें इस वक्त सुंदर पिचाई, वो भी एक इंडियन सिटीज़न है। इसी तरह इस टॉप लेवल की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानी से ज़्यादा इस वक्त इंडियंस काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड से जितनी भी रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज अगर हम देखें कि पीपल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से ज़्यादा अच्छा मेयार कितना है, तो आई थिंक सो पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो ज़्यादा प्रमोटेड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ फॉल बैक लाइक इन प्रीवियस सेंचुरी मोर
मोर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अनएजुकेटेड टिल नाउ, बट पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है और तालीम आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इंडिया की ज़्यादा है अच्छी पढ़ाई, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से हर साल PhD की डिग्री 2000 बच्चे लेके निकलते हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी से हर साल 14000 बच्चे PhD की डिग्री लेके निकलते हैं। मोहम्मद अली, कौन सी कंट्री एजुकेशन में ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो उनका बजट भी वो एजुकेशन पे ज़्यादा वो स्पेंड करते हैं, और पाकिस्तान एक तो बजट बहुत कम स्पेंड करता है, और दूसरा यहाँ पे जो है वो एजुकेशन सिस्टम भी जो पाकिस्तान का है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर बात करें इंडिया की, तो वो जिस तरह बजट ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इसी तरह वो साइंस में भी फील्ड में भी बहुत आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के उसमें भी बहुत आगे जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वो चांसेस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए, तो इस हिसाब से वो आगे जा रहे हैं हमसे। किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा एडवांस है, इंडिया का या पाकिस्तान का? एडवांस तो ऑब्वियसली इंडिया का ही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी उसकी भी एक वजह है, पाकिस्तान का भी हो सकता है अगर पाकिस्तान को सपोर्ट मिले थोड़ी सी। और मुझे लगता है कि जिस तरह इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, मतलब फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका की बात की जाए उसकी तरफ से, तो इस वजह से उनकी एजुकेशन भी ज़्यादा एडवांस है। और अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए, तो अगर शायद पाकिस्तान में करप्शन थोड़ी कम हो जाए तो इस पे किया जा सके फोकस। उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लाइक उनकी पॉपुलेशन 5 times ज़्यादा है हमसे, तो अगर हम ये बात करें कि उनका बजट ज़्यादा है या वो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जो एक अच्छी चीज़ की है जो मुझे अभी तक फील होता है, वो ये कि वो स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं एजुकेशन के, जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, वो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया भी हमसे आगे है, अनफॉर्चुनेटली। आमना, इंडिया $3.6 billion स्पेंड करता है अपनी एजुकेशन पे, जबकि पाकिस्तान $3.6 billion सिर्फ स्पेंड करता है अपनी एजुकेशन पे, तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान एजुकेशन में पीछे है? जी, एक बिल्कुल बड़ी वजह तो है, क्योंकि एजुकेशन ही एक वो बेसिक चीज़ है कि जिसकी वजह से ये आगे प्रोग्रेस कर सकती है। वो लोग इस वजह से अपनी एजुकेशन पे इसलिए ज़्यादा लगा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वो इस चीज़ इस वजह से ज़्यादा इस पे लगा रहे हैं, क्योंकि जितना उनकी एजुकेशन पे लगेगा उतना ही उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और उनकी कंट्री उस हिसाब से प्रोग्रेस करेगी। वरना वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से ज़्यादा जो गुर्बत है वो वहाँ पे है, लेकिन फिर भी हमारा हम लोग ज़्यादा अफोर्डिंग है उनसे, हम लोग इतनी ज़्यादा अभी फ़िलहाल गुर्बत में नहीं है, पर फिर भी हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्कूल अभी नहीं जाते, और उनकी ऑलमोस्ट सब इवन, क्योंकि मैंने जहाँ तक उनकी स्टोरीज़ देखी हैं फैमिलीज़ की, वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि ओके हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे की स्टडी वो करवा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि ओके हम लोग खाना नहीं खा रहे, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस तरह की नहीं होगी। देखा जाए तो बेसिक हमें उसमें हेल्थ में और एजुकेशन को हमने प्रेफरेंस करना चाहिए, जबकि आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान, उसमें लिटरेसी रेट 99% है, गुर्बत वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। हमारे यहाँ पे काबिलियत बहुत है लेकिन हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज कम है, और अगर हम बजट इंक्रीज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए बहुत कम है, मैं 86% पे यहाँ पे 50% वालों के साथ पढ़ूँ, तो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होती तो शायद मैं भी MBBS में होता। प्राइवेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो करते हैं फिर वो इसी चीज़ पे पीछे आ जाते हैं कि क्यों इतना पैसा दें, तो बजट में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देना चाहिए प्रेफरेंस। ज़ैनब, आपको क्या लगता है इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी अमाउंट हर साल एजुकेशन पे स्पेंड करता है, जबकि पाकिस्तान उसका 1/4 कह लें स्पेंड करता है अपनी एजुकेशन पे, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में पीछे है इंडिया की निस्बत? जी बिल्कुल, इसकी एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में सोर्सेज ज़्यादा हैं, इसलिए इंडिया अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में इतने सोर्सेज नहीं हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, जितनी एजुकेशन का बजट यहाँ पर चाहिए वो इतना यहाँ पर है, और जितने ही उनकी आबादी है उनको उस तरह का बजट चाहिए। अब उसमें देखना ये पड़ता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये दोनों ही करप्ट कंट्रीज़ के लिस्ट के अंदर एक अच्छा नंबर रखते हैं, और इन पर जिस चीज़ के लिए भी बजट होता है, सिर्फ पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से भी चंद स्टेप्स ऊपर है, ठीक है, तो जितना भी बजट ये मुख्तस करते हैं वो इनके लोगों तक नहीं पहुंचता, बहुत करप्ट मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, तो एक तो सबसे पहली बात तो बजट नहीं पहुंच पाता, और दूसरी बात कि जितना जिस कंट्री ने जितना बजट रखा हुआ है वो उनकी आबादी के मुतालिक बिल्कुल ठीक है, और अगर जितना बजट ये मुख्तस करते हैं हर साल दोनों कंट्रीज, अगर ये दोनों बजट बिल्कुल ठीक तरह से ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट पर लगाए जाएँ, तो दोनों ममालिक जो हैं वो एक अच्छा नाम दुनिया में एजुकेशन की फील्ड में पैदा कर सकते हैं। किसी मुल्क का बजट वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को सच में अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर अच्छा बजट नहीं
नहीं होगा तो फिर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी। तो इंडिया का बजट ज़्यादा है पाकिस्तान से एजुकेशन सिस्टम पे। बजट ही इफेक्ट करता है एजुकेशन सिस्टम पे। आप जितना उस पर इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा ऑब्वियसली। अगर आप कम बजट खर्च करते हैं तो आप कम अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर लें अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा जो स्टैंडर्ड भी होता है क्वालिटी भी होती है, तो ऑब्वियसली वो बजट पर ही डिपेंड करता है आप किस तरह जाते हैं आगे। इंडिया एक बहुत बड़ा बजट हर साल इन्वेस्ट करता है एजुकेशन पे और पाकिस्तान उसके निस्बत बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करता है अपनी एजुकेशन पे। आपको लगता है कि ये बजट हमारे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है? ज़ाहरी बात है करता होगा, लेकिन आप उनका पॉपुलेशन देखें ना, 1/4 पाकिस्तान का, उससे भी शायद कम हो, तो ज़ाहरी बात है उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इस वजह से उनकी वो भी ज़्यादा है, इकॉनमी भी ज़्यादा होगी हमसे पाकिस्तान से, तो इस वजह से इन्वेस्ट भी वो ज़्यादा करेंगे। बजट अगर वो अब लेट्स से 1 बिलियन कर रहे हैं, हम उसका क्वार्टर कर रहे हैं, तो हम पॉपुलेशन में भी कम है हमारे स्टूडेंट्स पे, रादर देन कि हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बजट ज़्यादा होने के बावजूद अच्छी जगह पर यूटिलाइज ना हो, अब देखा जाए लाहौर में इतनी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद में, हर ऑलमोस्ट अब हर जगह पर है। ये नहीं है कि अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लाइक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन बजट की आप स्पेसिफिकली बात करें तो अगर बजट को ऑनेस्टली, जितना अभी भी बजट है ना, अगर उसको भी ऑनेस्टली यूटिलाइज करना शुरू कर दें हमारे पॉलिटिक्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इसको बिजनेस की बजाय हम एजुकेशन कंसीडर करना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। टॉप टेक कंपनीज जो हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, नेट ऐप, अडोब हो गया, इन तमाम के जो CEO हैं वो इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा CEO नहीं है जो इन जैसी किसी एक कंपनी को हैंडल कर रहा हो। तो एज अ स्टूडेंट आप इस पर क्या कहेंगे? फिर वही बात कि बजट हमारे यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो सारे बाहर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान के क्यों नहीं कर रहे? उनको पे वहाँ से ज़्यादा मिल रही है, वो यहाँ पे बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? क्यों हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज इतने डेवलप नहीं है? अगर यहाँ पे हो तो वो यहाँ पे हमारे मुल्क का नाम ऊपर लेके जा सकते हैं। आपके दुबई में जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनमें सारे CEOs वगैरह वो इंडिया के ही है, और हमारी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनके वहाँ पे लोअर बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो इसी पे है कि आपके मुल्क में अगर आप पढ़ाई को और हेल्थ को ज़्यादा देंगे, बजट उसमें ज़्यादा रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है। पाकिस्तानियों के लिए एजुकेशन ये है कि ओके बच्चा डॉक्टर बन जाए या बच्चा लॉयर बन जाए, बस उनको नहीं पता। और अगर सपोज उसने नहीं किया तो वो एजुकेशन उसके लिए, क्योंकि बहुत महंगी होती है डॉक्टर बनाने के लिए, तो वो फिर किसी भी और छोटे मोटे कोर्स में कराते हैं। मतलब इनके पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए डॉक्टर और लॉयर से के अलावा और कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। यही वजह है कि जितनी भी सॉफ्ट टेक कंपनीज हैं, इनके जितने भी ओनर्स हैं, जो CEOs हैं, वो सब इंडिया के हैं, दूसरी कंट्रीज़ के हैं, या इवन उन कंट्रीज़ के भी हैं जो अभी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, बट पाकिस्तान का कोई नहीं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसमें यह है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी आप चीज़ें देख लें कि मोस्टली हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड कंट्रीज़ में, लाइक चाइना है मेडिकल के लिए, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए हमारे पास इंग्लैंड में, हमारे पास UK में बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस में है, हमारे पास पोलैंड में है, इनमें बहुत अच्छी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग पहुँच पाते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाके पढ़ने के लिए। बहुत कम सुना जाता है कि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वहाँ से निकला, यानी कि जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर साल सर्वे करके जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको, इनका इंतखाब किया जाए, उनको चुना जाए, और उनके लिए स्पेशल एक इकदाम किया जाए कि लाइक आप हर फील्ड से मुतालिक, जिसको आप समझते हैं कि ये फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, आप उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करें। अगर आपके पास वो ट्रेनर्स उस तरह के अवेलेबल नहीं है, आप उस ट्रेनिंग के लिए उसको किसी और कंट्री में भेज सकते हैं, या स्पेशल आप अपने बजट के ऊपर किसी दूसरी कंट्री से लोगों को बुला सकते हैं जो ट्रेनर्स यहाँ पर आके उनकी ट्रेनिंग करें। इसी तरह ही आप उस मुकाम पर हम पहुँच सकते हैं। वरना एक जो कहते हैं एक निसाबी जो तालीम है, एक कोर्स है हमारे पास, हम उसी को ही पढ़ते रहेंगे तो डिग्री समय मिल जाएंगी, लेकिन किसी कंपनी का CEO बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो स्किल्स हमारे पास इन सिलेबस से जो हैं वो डेवलप नहीं होंगी। उसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स की हमें ज़रूरत है जो हमें ट्रेन कर सकें और उस खास फील्ड के मुतालिक बता सकें। टॉप टेक कंपनीज़ हैं जैसे नोकिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेट ऐप, इन तमाम के CEO इंडियन हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ऐसा CEO नहीं है जो इन जैसी किसी एक कंपनी को भी हैंडल कर रहा हो। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का ही वो
फॉल बैक है कि वो इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से आप क्वालिटी स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग प्रोड्यूस कर सकें जो आगे सोच सकें, वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाल सकें। वो वहाँ पे एजुकेशन और हिसाब से टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों हिसाब से आगे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अपने स्टूडेंट को, तो वो आगे आते हैं, शो अप करते हैं, अपना पोटेंशियल शो अप करते हैं, तो वर्ल्ड पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है, इस वजह से सारी टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत एडवांस लेवल पे है, लेकिन ना उनको मौका नहीं दिया जाता कभी। मुझे इस तरह लगता है कि अगर उनको मौका दिया जाए ना तो फिर पाकिस्तानी भी हों, मतलब जिस तरह आगे बढ़ के इमरान खान ने इस बार स्पीच किया, उन्होंने बोला है, इस तरह का कोई अगर आ जाए ना जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि आगे जाके अपने राइट के लिए बोल सके, अपनी कंट्री के लिए बोल सके, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी भी मतलब उस जगह पे होते। हर बड़ी कंपनी के सीईओ या और बड़े बड़े लोग जो है वो इंडिया से है, क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन को, बजट या इन चीज़ों को नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन को वैल्यू किया। तो एजुकेशन को वैल्यू करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको बिजनेस ना कंसीडर करें, उसको एक एजुकेशन, एक फ्री प्लेटफॉर्म करें जो हर स्टूडेंट, हर वो बंदा जो उसको अवेल करना। सो गाइस, ये थी वीडियो कि पाकिस्तान और इंडिया में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेटर है। तो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेटर है, मैं भी बता देती हूँ कि हमारे लिए क्यों बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत सीरियस रखा जाता है पढ़ाई के मामले में, और बच्चों को ये चीज़ समझाई जाती है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे, और ये फैक्ट है। मतलब आज के टाइम में अगर कोई ऐसा है जिसने सिर्फ 12th कर रखी है या जिसने 12th 10th कर रखी है, उन लोगों के लिए और आने वाले टाइम में तो अब ऐसा होता जा रहा है कि अगर बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में कराना है ना तो पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो ही बच्चे का एडमिशन होगा, नहीं तो बच्चे का एडमिशन भी लेने से मना कर देते हैं स्कूल। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना हाई लेवल तक जा रहा है कि पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, हमारे अब हम चाहे हम लोग अपना खुद का बिजनेस करें या हम जॉब करें या कुछ भी करें, हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, आई नो वो किताबें जो हैं वो हमारी पूरी चीज़ों को, हमारी पूरी लाइफ को जज नहीं करती हैं, बट हमें हर चीज़ की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। हाँ, हमें लाइफ एक्सपीरियंस जो मिलते हैं उससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है रेदर देन किताबों से, बट जब तक हम वो किताबों से नहीं आएंगे निकल कर तो हम आगे लाइफ एक्सपीरियंस को भी कैसे हैंडल कर सकेंगे ना, वो चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना ज़्यादा बेटर है, और अब तो हमारा काफ़ी हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम हो गया है। साथ साथ बच्चों के स्किल्स पे काम किया जाता है, बच्चों के स्किल्स डेवलप की जाती हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी डाला जाता है, अब पेरेंट्स के माइंड से वो चीज़ें भी अब निकलती जा रही हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, बट अगर बच्चा किसी एक्टिविटी में तुम्हारे को लगता है कि वो आगे है, काफ़ी अच्छा है, तो तुम उसको एक्टिविटी में भी डालो, क्योंकि आज के टाइम में एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। होता है कईयों का माइंड पढ़ाई में उतना नहीं लगता जितना दूसरी चीज़ों में लगता है, मतलब दूसरी चीज़ों इन द सेंस कि किसी खेल में या किसी एक्टिविटी में, डांस में, म्यूजिक में, इन सब चीज़ों में, कुछ गलत चीज़ों में नहीं। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा बच्चा उसी में ही सक्सेस लेगा। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो गुड एंड वेल, एंड अगर बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, बच्चा किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, तो उसको उस एक्टिविटी से भी कभी दूर नहीं करना चाहिए, उसको और उनकी पढ़ाई को मैनेज करवाना चाहिए। वो चीज़ पेरेंट्स को आनी चाहिए कि वो कैसे मैनेज करा सकते हैं दोनों चीज़ों को। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नई नई वीडियोज देखते रहो यहाँ पर बैठकर मेरे साथ। तो वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।